हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की जो हमारी रेसिपी एक चाट रेसिपी है, रगड़ा पैटिस की रेसिपी, इजी सिंपल तरीके से ये रेसिपी मैंने बताई है रगड़ा पैटिस की। बारिश का मौसम है तो गर्मा गर्म रगड़ा पैटिस तो बनता ही है, तो चलो अभी हम रगड़ा पैटिस बनाने को लेते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है चाट रेसिपी, ये रगड़ा पैटिस की रेसिपी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने दो तीन आलू लिए हैं, उसको उबाल लिया है। उबालते वक्त पानी एकदम कम डालना, यानी आलू जो है हमारे उबालने के बाद ये ज़्यादा पतले होते नहीं हैं और पैटिस अच्छे हमारे बनते हैं। रगड़ा के लिए यहाँ पे मैंने सफ़ेद चना रात भर भिगो के रखा था, उसको उबाल लिया है। उबालते वक्त मैंने उसमें जीरा, हल्दी, कड़ी पत्ता और नमक डाला था। और मसालों में जो है हम पैटिस के लिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और हरा धनिया। पैटिस बनाने के लिए ये जो आलू हमने उबाले हैं एक प्लेट में निकाल लेना है। ये आलू में ही सब हम मसाले डाल देंगे। नमक डालेंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच और आपके टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सब चीज़ों को अभी हमें साथ में मिला लेना है। ये पैटिस का हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी पैटिस बनाने के लिए हाथ को हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और आपको जैसे चाहिए वो साइज़ के हम पैटिस बनाएंगे। पहले आलू को मिक्सचर को ऐसे गोल कर लेना है, यानी सब मिक्सचर जो है साथ में ये आ जाएगा और पैटिस हम ऐसे दबा लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमा के ये हमारी पैटिस रेडी हो गए और एक प्लेट में हम निकालेंगे। पैटिस के ये मिक्सचर में मैंने मैदा, साबुदाना, चावल का आटा कुछ भी डाला नहीं है। ये पूरे आलू के ही ये पैटिस हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये पैटिस हमारे सब अभी हम बना लेंगे और ऐसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैटिस हमारे रेडी हो गए हैं। अभी इन्हें हम पकाने को लेते हैं। इसको पकाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है। ये पैन को हमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, नॉनस्टिक है इसलिए ज़्यादा ऑयल लगता नहीं है। और ये जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं, एक एक करके हमें ये पैन के ऊपर हमें रख देना है। और 5-6 मिनट तक हमें अच्छी तरह से इसे पकने देना है। एक साइड से पूरा ये पक जाएगा तभी हम इन्हें पलटाएंगे। टिक्की हमारी पकती तब तक हम रगड़ा बनाएंगे। रगड़ा हमारा ये जो पक गया है उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। ये देखिए, अच्छा गाढ़ा भी हो गया है। और ये एक टिप है जो मैं यूज़ करती हूँ रगड़ा हमारा और गाढ़ा बनाने के लिए। ये बॉइल्ड आलू जो होते हैं हमारे मैश किए हुए, वो उसमें हम डालेंगे। इससे रगड़ा का टेक्सचर जो है थिक होता है और खाते वक्त भी ये रगड़ा बहुत टेस्टी लगता है। एक आलू को मैंने मैश कर लिया है और वो इस रगड़े में मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो रगड़ा है ये आप पानीपुरी कभी भी बनाएंगे,
तो ये रगड़ा उसमें डाल के रगड़ा पानी पूरी भी बना सकते हैं। तो चलो अभी हम रगड़ा बनाने को लेते हैं। एक कढ़ाई गरम करने को रख दी थी मैंने, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से हम गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, उसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। प्याज हमारा पक चुका, अभी इसमें हम हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट है वो डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे और बाकी मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। बस इतने ही मसाले डालने हैं रगड़ा में, और जो हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, आप चाहिए तो टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन रगड़ा का टेस्ट आता नहीं है। और ये जो रगड़ा है हमारा, ये डाल देंगे इसमें अच्छी तरह से, सब मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और रगड़ा की कंसिस्टेंसी के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और एक उबाल आने देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, रगड़ा को एक उबाल आ चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा ये रगड़ा वाला हमारा बना है। इसमें हमने आलू जो डाला है, इसे अच्छी कंसिस्टेंसी रगड़ा को आई है। आपको जैसे चाहिए थिक पतला, वैसे आप रगड़ा बना सकते हैं। ये 5-6 मिनट के बाद ये देखिए, ये हमारे टिक्की एक साइड से पक चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी हुई है ये ब्राउन। अभी इन्हें हम पलटा लेंगे और दूसरे साइड से भी हम इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पका लेंगे। आलू चिपका नहीं है, ये नॉनस्टिक पैन है, लेकिन इसमें मैंने कुछ आटा वगैरह कुछ भी डाला नहीं है। तो अभी ये टिक्की देखिए, ये कैसी कितनी अच्छी हमारी ये टिक्की बनी है। आलू जो है पकाते वक्त, उबालते वक्त पानी एकदम कम डालना चाहिए, तो आलू अच्छे उबालते हैं और ज़्यादा गीले होते नहीं हैं। फ्रेंड्स, रगड़ा और पैटीज दोनों हमारे रेडी है, तो इसे अभी हम सर्व करेंगे। पहले हम रगड़ा डाल देंगे। देखिए आलू डाला है हमने मैश किया हुआ, अच्छा थिक ये हमारा रगड़ा बन के रेडी है। पैटीज भी हमारे अच्छे क्रिस्पी हुई है। इसके ऊपर मीठी दही, इमली की चटनी, थोड़े से अनारदाने, चाट मसाला, हरा धनिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आज की चाट रेसिपी, रगड़ा पैटीज की रेसिपी। पैटीज भी हमारे अच्छे बने हैं क्रिस्पी। फ्रेंड्स, ये मेरी आज की चाट की रेसिपी, रगड़ा पैटीज की रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप भी बना के देखिएगा ये रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।